रेलवे विलेज विलेज देखिए आप अंदर आकर आप कितना ब्यूटीफुल है ये। आई नो आप सबको अच्छा लगेगा और मिस्टर त्रिखा जी के साथ सब चलिए देखिए हम कहाँ जाते हैं। तो चलिए जी मेरे साथ आज एंजॉय कीजिए। वेलकम। म्यूजियम टाइप ही है, रेलवे म्यूजियम ही लगा लो। हाँ जी, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल रेलवे मॉडल रेलवे विलेज रिन्यूअल प्रोजेक्ट। ये देखो जी, पुराने जमाने के लेटर बॉक्स भी दिखा दो। आजकल तो हमारे फोन ही लेटर बॉक्स बन गए हैं, पहले ऐसे हुआ करते थे। और पहले ऐसे टेलीफोन बूथ हुआ करते थे जो आजकल सड़कों पे दिखने को नहीं मिलते। ये रेलवे इंजन है जी। अच्छा, इसकी टिकट वगैरह नहीं है? लिखा हुआ है टिकट ऑफिस, मैं वही पूछ ही रहा था। देख लो टिकट ऑफिस लिखा आ गया, तो चले अंदर। और 10 से 6 खुलता है जी। एक्सटेंडिंग ओपनिंग टाइम ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त 10 to 6 PM। टिकट काउंटर है, तो अब हम टिकट लेंगे। अडल्ट 10 €, एंट्रेंस रोड ट्रेन अगर लेते हो तो 14.50, सीनियर के लिए 7.5 एंड स्टूडेंट 7.5 और चाइल्ड 6.5। ये सब यूरो में है जी। और ये पूरा इनका मैप बना हुआ है जो मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सामने इनकी वो जो ट्रेन को लाइट दिखाते हैं आगे से आते हैं भागते हुए, ये देखो। ऐसे रेलवे में अभी भी यही फोन काम करते हैं, ये फोन बंद नहीं किया अभी भी इन्होंने। मॉडल विलेज पीछे ट्रेन चल रही है, वो देखो जी, छोटी सी ट्रेन जा रही है अभी इधर से आएगी। ये देखो, एक गई एक आई। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। ओहो, ये यहाँ आएगी। वाओ, ये देखो, अरे ब्यूटीफुल कोयले की है ये। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली में कोयला ख़त्म हो गया ना, इसलिए कोयला लेके आई है क्योंकि वहाँ बिजली नहीं मिलेगी। तो चलिए जी, देख के रुकियोगे वहाँ। तो ये मेरा ख्याल उससे कनेक्टेड है जो पीछे से आ रहा है एक इंजन। दूसरी जगह घुस गई, ठीक है। ये देखो कहाँ से निकली, इधर से गई उधर से निकल आई। वो आ गई, दूसरी भी आ गई। हाँ, कनेक्टेड है ना, वो जैसे नज़दीक आती है तो चलती है। रोड ट्रेन प्लेटफार्म देखो जी, ये एक छोटा सा विलेज है और उसमें बताया गया है सब कुछ। ऐसे लग रहा है जैसे हम यहीं रह रहे हैं। ब्यूटीफुल।
खाना। आप बैठे ही नहीं, चली गई वो गई। तो ये छोटी छोटी पटरियां बनाई हुई हैं जी, ताकि बच्चों का टाइम पास हो जाए। और ये देखो जी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, वाओ, ऐसे लग रहा है जैसे सचमुच का घर हो। लेकिन एक ये लकड़ी का ना छोटा सा विलेज बनाया हुआ है ये। द चर्च ऑफ इमिकुलेट कनेक्शन। ब्यूटीफुल, वाओ, लगी नहीं रहा। ये ऐसे घर हैं। ये कार्क है जी, कार्क घुमा रहा हूँ। और ये आपको अंतिम वीडियो है जो दिखा रहा हूँ। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे मैं स्कॉटलैंड पहुँच चुका हूँगा। तो आज मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ये देखो यहाँ के ना इन्होंने एटमॉस्फेयर दिखाया, पब्लिक और जानवर कैसे कैसे हैं। ये देखो, देखो गायें, भैंस दूध निकालने वाले, ये गाने गाने वाले, सारा ही एक विलेज बसा रखा है इन्होंने। ओनली फर्स्ट ऑफ, हाँ यस यू कैन गो, यस 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 अलाउ है तो जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ ना कि आप कैसे बना रहे हो। एक और ट्रेन आ गई है जी, आवाज़ आ रही थी, मैंने समझा नहीं था क्या किसी की आवाज़ है। ये देखो जी, ये चार पांच ट्रेनें इन्होंने ऐसे चला रखी हैं। ये देखो, ये पुल के नीचे से निकली और वो आगे गई। काफी लंबा छोटा तो नहीं है, है तो छोटा सा ही, लेकिन एक जंगल के अंदर बना दिया इन्होंने ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो ये यहाँ का रेल म्यूजियम है जी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ भी एक छोटा सा तालाब बना दिया इन्होंने, नेचुरल चीज़ मतलब आपको लगे, ये बनाया नहीं हुआ मतलब। ये देखो नीचे फिश भी हैं इसके, बड़ी बड़ी फिश हैं। ये देखिए, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी फिश हैं। और ऊपर जाल लगा दिया है ताकि पक्षी ना आगे खा जाएं। ये देखिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं ना, तो उनसे डर के मारे फिर इन्होंने ये लगा दिया जाल। देखो यहाँ भी हम पुल पे चढ़े हैं, ये ट्रेन निकल आई नीचे से, क्योंकि ये गर्मियों का सीजन है ना, फूल भी देखने को मिल रहे हैं। अक्टूबर में ये फूल भी नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। देखो जी सारा पहाड़ी एरिया, कार्क जो है ना तो पहाड़ों पे ऐसे घर है, हमारा भी ऐसे घर है जिसपे हम रह रहे हैं अभी, ऊंचा बना हुआ है काफी। इन्होंने जगह जगह पे ऐसे शो किया हुआ है आपके लिए कि देखो आपको। वो बड़ी गाड़ी भी चालू हो गई, लेकिन वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हम अंदर आ चुके हैं। आपको लगेगा मैं किसी सिटी में घूम रहा हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे हट बना रखे हैं इन्होंने। ये देखो साइड में ऐसे पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने, ये देखिए। चलिए, ये किन सेल है जिधर हम, ओए स्टे ऑफ द ग्रास लिखा हुआ है ना, किन सेल है जिधर हम गए थे। यस किन सेल, ये
ये देखो यहाँ भी एक बड़ा सा तालाब बना रखा है इन्होंने, और इस तालाब में स्टीमर वगैरह दिखा रहे हैं चला कर, और इसमें आप बोट भी चला सकते हैं। ऐसा बनाया हुआ है, हाँ ये ऐसा बनाया हुआ है, आउट ऑफ ऑर्डर लिखा हुआ है एक में और एक चल रही है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ ऑर्डर। ताकि आपको लगे कि आप चला रहे हो। ये कैसे चलेगी, मैंने तो इन्होंने कि आप देखते ही रह जाओ। वो बड़ी ट्रेन आई है जी जिसमें ये लोग घुमाते हैं, वो बाहर से जा रही है, तो बाहर से आपको इस ट्रेन में बैठ के मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ये आप अंदर से देख रहे हो, वो बार बार से दिखाएगा ये जा रही है। अभी यहाँ आएगी, थोड़ी देर नजर आएगी क्योंकि आगे पेड़ है। ये देखिए अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, जब मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, वो सामने अपने घर बने हुए दूर दूर ये देखिए, और पीछे बहुत बड़ा तालाब है, पूरा चारों तरफ तालाब है। बस ये छोटा सा ही है जी जिसमें ये विलेज दिखाया गया बना के, और छोटी छोटी रेल पटरियाँ हैं, जगह जगह पे आपको ट्रेन मिलेगी चलती हुई। देख के एक बच्चा आ गया जी, ये बच्चे को ये देखो दूरबीन से देखो क्या नजर आता है, बोट चला सकते हो आप उधर चलाएं। अच्छा उसको छोड़ो, इसमें से देखो क्या नजर आएगा आपको, ये देखो यहाँ खड़े हुई है, और ये देखो ऐसे इसमें से कुछ नजर नहीं आ रहा यार, मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो पैसे डालने पड़ते हैं हमारी, देखो हर चीज़ में ऐसे है। ये देखो ऊपर सामने पहाड़ है जी, पहाड़ पे देखिए आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ों के बीच में। स्टैंड आ गया, ट्रेन का प्लेटफार्म आ गया, इसलिए रुक गई, ये प्लेटफार्म है। Yes. ये गाड़ी में कुछ लोग आए हैं जी अभी, ये तभी भीड़ हो गई, इससे पहले हम अकेले ही थे। ये देखो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ इंडियन भी आ रहे हैं, वाओ। गाड़ी गई, ये देखो जी कुछ लोग फोटो सेशन पे लगे हुए हैं, ये देखो जी ये देखो काफी लोग आए हैं जी, देखिए आप ये देखो पानी में स्टीमर चल रहा है जी, छोटा सा काफिल। यस मिल गया मुझे, ये देखो बच्चों के टाइम पास के लिए बहुत ही बढ़िया। ये हमारा मोटा टीटी है जी,
ये गार्ड सॉरी कैसे हो जी? I am good. Have a good day. ओहो, ये आपका मुंह नीला कैसे हो गया? ये आपका मुंह ब्लू ब्लू क्यों है? लिप्स एंड टंग ब्लू 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 आइसक्रीम. अच्छा, ब्लू आइसक्रीम खाई थी आपने? वाओ. ये देखो, ये सिग्नल कैबिन है, इसमें भी आप जाओ एंजॉय करो. इसमें ये सिग्नल चेंज करने के लिए यहाँ से हेड, आपने जब मुंह अंदर किया तो हेड ही लगा बाबू. ये कुछ चिल्ड्रन के लिए ये भी रखी हुई है जी इन्होंने. अगर आप ये देखो, यहाँ बैठ के आप इसको रेत को उठाना चाहे, इससे ये सारा कुछ आगे बैठते हैं और ब्रूनो नीचे बैठता है और फिर उसके बाद वो आपको कुछ भी खेल सकते हो सैंड से डिगर है. ओके, पर हमेशा गेम के साथ ब्रूनो को बैठना चाहिए. नमस्कार, मैं मनमोहन त्रिखा आपका होस्ट. आज हम कार में, आपको पता ही है हम आए हुए हैं, आपने कार की सारी वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो मेरे कार सिटी सेंटर की आज ये लास्ट वीडियो है, ये ट्रिप मेरा यहीं ख़त्म हो रहा है. तो आज जो लास्ट वीडियो है वो हम आपको बताएंगे कहाँ आए हैं कहाँ नहीं आए. तो इससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. तो अगला ट्रिप मेरा स्कॉटलैंड का होगा, तो आज हम कहाँ आए हैं वो अभी हम आपको बताएँगे.